में और पूरे देश भर में शिव जयंती का कार्यक्रम बहुत जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर भी और पूरे मुंबई में इस छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को हम हर साल बहुत जोर शोर से मनाते हैं। ये हमारी 27वीं शिव जयंती है। हम हर साल छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श और उनके अंदर के जो गुण है वो हमारे लोगों के अंदर में उनको समाहित करें, यही उद्देश्य के साथ में आज हम पूरे विले पार्ले अंधेरी और जुहू के क्षेत्र में इस तरह की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा सबके लोगों के अंदर में जिंदा रहे, इसी भावना के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का आयोजन हम करते हैं। इस छत्रपति शिवाजी इस महाराज की जयंती में आज सभी हमारे सम्माननीय आमदार अमित साटम जी और अपने नागालैंड के गवर्नर पूर्व गवर्नर पद्मा आचार्य जी ने इसका शुभारंभ किया। उसके बाद में सभी आमदार पराग अलौनी जी है, मुंबई के हमारे अध्यक्ष आशीष सेलार जी है, सभी ने इस कार्यक्रम की, हमारी खासदार पूनम महाजन जी है, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम के अंदर में आकर के छत्रपति शिवाजी महाराज को माल्यार्पण किया और उनकी भावना और उनका जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो महान उद्देश्य है वो अपने अंदर किस तरह हम समाहित करें, इसी शब्दों के साथ में उन्होंने सबको संबोधित किया। ये हमारा ये बार का हमारा 27वां शिव जयंती का प्रोग्राम है, शोभा यात्रा है। इसमें हमारे आमदार है अमित साटम जी अंधेरी विधानसभा से, हमारे आमदार दूसरे हैं पराग अलवनी जी पार्ले विधानसभा से, और हमारे तीसरे आमदार है आशीष सेलार जी वो बांद्रा विधानसभा से। तो सारे ही हमारे आमदार है और हमारे जो खासदार है पूनम महाजन जी वो भी हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी का जो योगदान है हमारे देश के लिए उसको कोई भुला नहीं सकता, और छत्रपति शिवाजी के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि देशवासियों को इस ये त्यौहार को अच्छे से और प्यार से और मोहब्बत से मनाना चाहिए। थैंक यू। हिंदू राज की मांग, ये तो हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का इस दिन है, और ये जो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदू एक जीने का धर्म है, एक जीने की कला है, और इसलिए हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के ऊपर मैं सभी हमारे जितने भी देखा होगा, इतनी भव्य दिव्य शोभा यात्रा चल रही है, 5 किलोमीटर की शोभा यात्रा है और लोगों का उत्साह आप देखिए, तो ये हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा है और इसीलिए हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो शिव जयंती पर आप इतना भव्य कार्यक्रम हर साल निकालते हैं, क्या संदेश देते हैं, इससे माध्यम से क्या कहना है आपका? मैं जब ये 27 साल पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को ऑर्गेनाइज करने का कार्यक्रम मेरे मन में आया, तो मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे, लेकिन मेरा एक नेबर था, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उससे कहा कि जानता राजा हमारे क्षेत्र में लगा हुआ है, आप आके देखना। तब वो 8वीं क्लास का विद्यार्थी, वो इंटरनेशनल छात्र था, वो मतलब आईबी का छात्र था, उसको पता नहीं, इतिहास में सिखाया नहीं जाता है, और तब उसने बोला कि कौन जानता राजा, कौन छत्रपति शिवाजी महाराज, और उसने जब ऐसे शब्द बोले तब मुझे लगा कि जरूर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के निमित्त हमारे क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना चाहिए, और उसके निमित्त हम 27 साल से ये हम लगातार ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवंत देखा हुआ घोड़े मावले उनके कहे गए शब्द हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के आदर्शों को लोग अपने अंदर में समाहित करें और एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करें, इसी भावना के साथ में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को हर साल मनाते हैं।